हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेनियम ट्यूटोरियल। अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम बेसिक्स सेलेनियम के यूज़ करते हैं, कैसे हम कीबोर्ड माउस एक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे हम यूआरएल्स ब्राउज़र्स को हैंडल करते हैं। हमने वेट्स के बारे में सीखा, एसएसएल के बारे में सीखा, ये सब बेसिक चीज़ें हमने सीखी। पर हम ये सब चीज़ें एक सिंगल मशीन पे कर रहे थे जो हर रियल टाइम एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। आपके क्लाइंट मशीन से इतनी स्ट्रांग या इतनी कॉन्फिगरेबल नहीं होती, उनकी ज़्यादा इतनी कॉन्फिगरेशन नहीं होती कि वो एक क्लाइंट मशीन से आप सारा टेस्ट सूट्स या टेस्ट ऑटोमेशंस रन कर सकें। तो अभी हम बेसिक सीखेंगे कि कैसे हम ग्रिड को यूज़ करके ये करते हैं, और जब आगे हम लोग एक टेस्ट सूट्स या ये सब कुछ बनाएंगे, फ्रेमवर्क्स बनाएंगे, तो उसमें हम उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देख पाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे। आप selenium.hq.org पे जाके, डाउनलोड पे जाके एक सिलेनियम सर्वर स्टैंड अलोन जार को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ये पहले से है, इसे मैं इसलिए अभी कैंसिल कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप इस जार को रन करेंगे, पर इसमें आप एक रोल देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, ये एक मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या होगा कि एन नंबर ऑफ मास्टर स्लेव्स हो सकते हैं, जैसे कि एक आपका मास्टर है मशीन वन, और ऐसी मेरी एक मशीन वन है। मशीन टू से लेकर 10 तक सब स्लेव हैं, और वो स्लेव किसके हैं, मशीन वन के। ये कैसे कॉन्फ़िगर होगा, लेट्स से मैंने ये मशीन को बनाया और उसको कहा कि जावा हाइफन जार, और जार का नाम दिया, ये हमारी कमांड है जार को एग्जीक्यूट करने की। उसके बाद एक ऑप्शन दिया रोल और हब। बाय डिफॉल्ट वो ट्रिपल 4444 पोर्ट पे चलेगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पोर्ट चेंज करके 1234 कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा, लोकल होस्ट पे 1234 पे चेक करूंगा। तो यहाँ मेरा सिलेनियम ग्रिड खुल गया और ये मेरे मास्टर मशीन की कॉन्फ़िग भी आ गई। ये सब वैल्यूज है, इसके कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हैं जेसन फाइल से या फिर कमांड लाइन पे ही, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब होने के बाद लेट से मैं एक और कमांड लाइन चलाता हूँ, जार वाले फोल्डर में जाता हूं अब मैं इसका रोल दे रहा हूं नोड, और मेरा जो हब है वो मेरा जो हब लिसन कर रहा है वो कर रहा है लोकल होस्ट 1234 पे। यहां पर मैंने इसे एसटीटी पी नहीं दिया। अब ये क्या कह रहा है, जब नोड इज रजिस्टर्ड टू द हब एंड रेडी टू यूज। तो मैं फिर से एक बार यहां पर लोकल होस्ट 1234 खोलूंगा, यहां पर देखूंगा तो अब मेरा एक नोड भी आ गया। उस नोड का पोर्ट क्या है, वो मेरी लोकल मशीन का आईपी दे रहा है और 555 पोर्ट पे चल रहा है। यहां पर 555 पोर्ट, ये आप देखेंगे तो यहां पर 555 पोर्ट दिखा रहा है। अगर मैं पोर्ट चेंज करना चाहूं 6789, तो ये स्टार्ट हो गया, रजिस्टर्ड द नोड टू द हब, मेरा हब यहां है। और इसको भी एक पिंग आया, उसको कहा गया मार्किंग द नोड दिस दिस दिस, जो मेरी लोकल मशीन का आईपी है, और 5555 एज डाउन। ये डाउन हो गया था 5555। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर इसको 6789 से रजिस्टर किया था। अब मैं इसको फिर डाउन कर रहा हूं, इसको भी डाउन कर रहा हूं। अब मेरे हब और नोड दोनों डाउन है। पहले मैं हब चलाऊंगा 1234 पोर्ट पे, ये कह रहा है सिलेनियम ग्रिड हब इज अप एंड रनिंग, मतलब ये चल गया। आप चाहे तो यहां पर देख सकते हैं, और ये आपका आगे इंफॉर्मेशन। अब मैं फिर से 6789 पोर्ट पे क्लाइंट चलाऊंगा, रजिस्टर्ड आर नोट आईपी
और 6789 पोर्ट, और ये हर इतने मिलीसेकंड्स में 18000 मिलीसेकंड्स यानी 180,000 मिलीसेकंड यानी 180 सेकंड्स यानी कि 3 मिनट्स में आप इसको पोल करेगा, आप इसको चलाएं कंसोल में देखेंगे तो यही मशीन का आईपी और 6789 पोर्ट। इसमें 5 फायरफॉक्स, 5 क्रोम और एक आई ब्राउजर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपने ये हब की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपना हब और क्लाइंट रजिस्टर कर लिए, पर क्या मैं सिर्फ एक ही क्लाइंट रजिस्टर कर सकता हूँ? चलो हम एक और दूसरा क्लाइंट रजिस्टर करके देखते हैं। यही मेरा सेम कमांड, रोल मेरा नोड, हब मेरा ये है, चल कहाँ रहा है, लोकल होस्ट 1234 पे। ये मेरा बाय डिफॉल्ट 5555 पे एक पोर्ट पे एक और नोड रजिस्टर हो गया। इसने कहा द नोड इज रजिस्टर टू द हब एंड इज रेडी टू यूज। अब मैं यहां पर आऊंगा, दोबारा से कंसोल चेक करूंगा, अब यहां पर मेरे एक नहीं दो क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपने देखा होगा सेम कॉन्फ़िगरेशन आई है, आप कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब मेरी दो ब्राउजर्स है, दो क्लाइंट्स है सॉरी, और उसके बाद मैं यहां कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं। अब हमने ये तो कर लिया, अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। मैंने इसको हब को बंद किया, हब को बंद करते ही जब ये दोबारा पोल करेगा क्लाइंट जो मेरा नोड है, जैसे इसने किया, ये कह रहा है मार्किंग अ नोड दिस हैज डाउन कैन नॉट रीच द नोड फॉर ट्राइज दिस, तो इसको भी बंद करेंगे और सबको बंद कर देंगे अभी के लिए, और फिर दोबारा पिंग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि सर्विस मेरी बंद हो गई है। अब मैं हब चला रहा हूँ, अब मेरे क्लाइंट्स डाउन है तो मेरे यहां पर कोई भी क्लाइंट नहीं दिखेगा, एज सिंपल एज दैट। क्लाइंट्स अप करेंगे वापस, एक मैंने डायरेक्टली अप कर दिया, लेकिन यहां पर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूं, जैसे मैंने नोट दिया या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया, मैं इसको यहां पर कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ भी वैल्यू दे सकता हूं, जैसे कि। तो अगर आपने कोई और क्लाइंट अप करना है तो आप उसके आगे ब्राउजर्स या कैपेबिलिटीज आगे कैसे यूज करेंगे, जेसन फाइल से या कमांड लाइन से या फिर जावा प्रोग्राम से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।